Hello and Assalamualaikum. This is Jahan Saif Khalid from Jazzy Adventures. The vlog is about Chitta Katha Lake, which is an alpine lake, and this track is not for the faint-hearted. I'll be covering a challenging 9 km track, ascending to a staggering altitude of 4,100 meters above sea level. The journey takes us through rugged terrain, lush marshy meadows, and stunning alpine scenery. Hope you will love it. So let's get trekking and dive into the Haro Mountains. अस्सलामुअलैकुम, मैं अभी केल में मौजूद हूँ और यहाँ से निकलने लगे हैं हम होज़ के मुकाम के लिए, जो कि 18 किलोमीटर यहाँ से दूर है और तकरीबन 2.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि रोड की कंडीशन कुछ डिलेपिडेटेड भी है, रास्ते में बोल्डर्स भी हैं बहुत ज़्यादा, तो ये जीप है। होज़ जाते हुए रास्ते में जीप रुकी है ताकि उसको ठंडा कर ले थोड़ा सा, तो ये वो पॉइंट है, ईगल नेस्ट हट टेंट विलेज डोमेल पॉइंट शाउंटर वैली। ये हम लोअर डोमेल से गुजर रहे हैं, अभी अपर डोमेल आगे जाके आएंगे। होज़ के मुकाम पे पहुँच चुका हूँ अब, तो ये होज़ का मुकाम है और ये सामने जो पहाड़ है नंगी माली है, ताकि यहाँ पे माइनिंग होती है, स्टोन निकलते हैं प्रेशियस थ्रू आउट। यहाँ पे आगे जाने पे भी हमें देखने को मिलेंगे, और ये रास्ता चलते चलते वो नीचे और ये पहाड़, दोनों पहाड़ के दरमियान में से रास्ता जा रहा है। उसके मुकाम से ट्रैकिंग शुरू करती है। दिन जो है काफ़ी ब्रॉड डे लाइट है और सनलाइट जो स्कॉचिंग हीट है बहुत ज़्यादा तेज़ हीट फील हो रही है, और ये रास्ता है यहाँ से नीचे उतरना, ये पॉइंट, ये नीचे जाना है और वो उस डायरेक्शन में जाना है। तो ये जो दूध सी जैसी बहती हुई ये स्ट्रीम चल रही है, इसके लॉन्ग चलते जाना है, और वो ऊपर बादलों में ढका हुआ जो पहाड़ है उसके पीछे चिट्टा कट्ठा लेक है। ये नीचे यहाँ से जाना है, और ये नंगी माली पहाड़ है, प्रेशियस स्टोन्स की माइन भी है। रास्ता गरीब आता जा रहा है, ये ऊपर जाना है सामने, ये सामने जो गांव नज़र आ रहा है, जो हट्स बने अपने घर, ये डोमेल है अपर डोमेल, और इससे आगे रास्ता जो जा रहा है वो शाउंटर वैली को जाना है, जबकि हमने इस डायरेक्शन में जाना है, ये डायरेक्शन है ऊपर। ये सारी उतराई है, इसके बाद अपहिल हाइक शुरू हो जाएगी लश ग्रीन सरफेस के अलोंग, जिसके साथ है मिल्की, मतलब वो स्ट्रीम चलती आ रही है, और ये नीचे बड़े प्रेशर से सारा कुछ चल रहा है। ये ब्रिज क्रॉस करना है और इंशाल्लाह फिर अपहिल हाइक शुरू हो जाएगी।
क्रॉस करना है, बहुत प्रेशर है, पानी का, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है लेकिन इट्स स्कॉचिंग हीट एट द सेम टाइम। ये ऊपर जाना है वहां पे, ये अब अपहिल हाइक स्टार्ट हो गई हुई है। ये पौधे कितने प्यारे लगे हुए हैं यहाँ पे रंग बिरंगे के। ये कह रहे हैं कि 25 स्पीशीज हैं प्लांट की आगे जो देखने को मिलेगी। ये अब रास्ता देखें कैसे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, एक ये फूल लगे हुए इतने प्यारे, इतने प्यारे फूल लगे हुए और ये पगडंडी बनी हुई है फूलों के दरमियान, पौधे लगे हुए रंग बिरंगे फूल। ये जंगली कुतरू झाड़ियों में से गुजरते हुए जाना है, ये पगडंडी जानी है, वो जंगल नुमा है उससे क्रॉस करना है, काफ़ी टफ है भाई। अभी हाइक है ये पगडंडी के नाम, और साथ ये चिट्टा कट्टा की ट्रिब्यूटरी चल रही है, एक्सट्रीम चलती हुई आ रही है, इसलिए इसको चिट्टा कट्टा कहा गया क्योंकि सफ़ेद पानी है। बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो सामने जंगल नज़र आ रहा है उसको क्रॉस करना है। सो अभी तक जो होस के मुकाम से तकरीबन 2.5 किलोमीटर का वो होस का मुकाम है वो सामने हट्स, और वहाँ से ये करते करते अभी तक 2.5 किलोमीटर्स कर लिए है। ऐसे ही नौफल? ऐसे ही जी। तो ये नौफल साहब है, इज़ अ ग्रेट गाय, ट्रैकर, बाईसाइकिलिस्ट, NIT प्रोफेशनल माशाल्लाह। अब ये आगे जंगल शुरू हो रहा है जो कि डेक वन की तरफ लेके जा रहा है, बहुत हाइक है। हवा देखिए कितनी तेज़ है, ये घना जंगल आ गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ी जात की छतरियाँ मैंने बहुत ऐसे कलर्स की छतरियाँ देखी हैं क्योंकि सिटी में देखने को नहीं मिलती। बैच के दरख्तों का जंगल है ये पूरा, ये डेंस फॉरेस्ट सा है, छोटा सा एक बैच है।
बच के दरख्त है, अभी मैंने देख के पहचाना है। अब ये रास्ता तो ये बर्ज का घना जंगल ख़त्म हो गया इस पॉइंट पे ये, और अब मैं आगे डेक वन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ये सराउंडिंग्स हैं, साथ बहुत तेज़ स्ट्रीम गुजर रही है जो कि चिटागटा लेक से निकल के आ रही है। लेट मी शो यू, देयर इट इज़। व्हाई इट इज़ कॉल्ड चिटागटा? बिकॉज ऑफ द वाइट कलर ऑफ स्ट्रीम एंड द वाटर्स। देखें पानी का कलर कहीं पता नहीं चल रहा, इट्स ऑल वाइट। फ्लो इतना तेज़ है कि पानी प्रेशर से बबल्स बनने की वजह से वाइट दिखता है। क्या कलर है पानी का। और ये मैं गुजर रहा हूँ पत्तों पौधों के दरमियान से। वाओ सुपर, सामने क्या नज़ारा है। रास्ता निकालते हुए जाना है पत्थरों पे से, बुल्डर्स पे से, और स्ट्रीम जो बहुत तेज़ है जिसका बहाव, उसके साथ साथ चलते जाना है। ट्रैक के कुछ हालात इस तरह के हैं। के साथ अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लीव कमेंट एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।